अब किसके पास कितनी संख्या बल है, किसकी ताकत कितनी है, लड़ाई इसी बात की है। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, ये बाकी की बची हुई वोटिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी? देखिए, 10 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी, अभी तक शुरू नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के पार्षद, एक भी पार्षद अभी सदन में नहीं पहुंचे हैं, ना ही मेयर पहुंची हैं। जो निगम सचिव हैं वो पहले से ही यहां पे इंतज़ार कर रहे हैं, तमाम अधिकारी इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुँचे। एक चीज़ मीनाक्षी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो सौरभ बाइट दे रहे थे, सौरभ भारद्वाज, उसमें उन्होंने ये कहा कि सदन में हमारे पास बहुमत है, अगर स्टैंडिंग कमेटी में कोई भी प्रस्ताव आता है तो हम सदन में जिनके पास बहुमत है वो पास करवाएगा। एक तरह से ये कह सकते हैं इसको कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब ये मान रही है कि स्टैंडिंग कमेटी में जो तीसरा सदस्य है वो भारतीय जनता पार्टी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं, जिता के ले जा सकती है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत आ जाता है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उनका अपना हो जाता है, प्रस्ताव वो कोई भी पास करके लाएं, तो सदन में वो पास नहीं होगा, सदन में वही पास होगा जो आम आदमी पार्टी चाहती है, क्योंकि सदन में उनका बहुमत है। तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज को भी ये अंदाज़ा हो गया है कि कितना मुश्किल है उनके लिए कि अपने चौथे कैंडिडेट को जिताना। और इसके साथ एक और लड़ाई शुरू होने वाली है, अभी ये हाउस में वोटिंग होगी, फिर उसके बाद जोन में वोटिंग होगी। जोन में जो वार्ड कमेटी है उसकी वोटिंग होती है और उसके बाद जोनल चेयरमैन चुने जाते हैं और उसमें से एक मेंबर जो जोनल चेयरमैन है वो स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा होते हैं। तो इस हिसाब से कुल 18 मेंबर होते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 5 में जो क्लियर कट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास है, 5 जोन में, उसके अलावा नरेला जोन और सेंट्रल जोन में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट का इंतजाम कर लिया है। आम आदमी पार्टी खुद इल्ज़ाम लगा रही है कि सेंट्रल जोन से कांग्रेस की जो 2 पार्षद है उनमें से एक नाजिया दानिश को हज कमेटी का मेंबर इसीलिए बनाया गया कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए वो वोट करेंगे। और हमने ये भी देखा कि हज कमेटी के लिए जब चुनाव हुआ था तो उसमें नाजिया दानिश एब्सटेन कर गई थी, वो नहीं पहुंची थी वहां पे, और भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट थी वो वहां पे जीत गई। तो ये डर है आम आदमी पार्टी के मन में कि आज अगर 3-3 का ये आंकड़ा पहुंच जाता है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के पास अगर 3-3 मेंबर चुने जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी से, उसके बाद वार्ड में भी अलग अलग जोन में भी भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है। और जो और यही भय जो है वो आम आदमी पार्टी को सता रहा है। भास्कर, आप रहिए हमारे साथ। बीजेपी की मेयर कैंडिडेट रही रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की मेयर धांधली पर उतर आई है और ये सारा हंगामा आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया है। फेयर तरीके से सीक्रेट बैलेट के साथ में वोटिंग होनी है और कल भी हमारी यही डिमांड थी। अगर वो मेयर जिद के कारण अटक करके ये कहती है कि जी मैं तो 56 से शुरू करूंगी, अरे भाई जब बैलेट बॉक्स में 47 वोट हैं आप 56 से शुरू करोगी तो बीच के जो वोट हैं वो कहाँ गए, उसका हिसाब कौन देगा, वो बैल जो प्रोसेस है वो फेयर कैसे मान लिया जाएगा, कोई एक भी कानूनविद ये बता देगा? खुद म्युनिसिपल सेक्रेटरी ये कह सकता है कि वो कल का जो चुनाव था वो फेयर है, अभी तक जो हुआ है तो हम मान लेंगे, बताइए जरा आप, कोई नहीं कह सकता। तो अनफेयर को अनफेयर कहना कहाँ गलत था, हम तो पूरी रात वहाँ बैठे रहे, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी वहाँ पूरी रात बैठने की। सारा अमानवीय व्यवहार के साथ में एक एक जो काम वहाँ हाउस में हो रहा था, मतलब शब्दों में बयान नहीं हो सकता, फिर भी हमने रात भर वहाँ बैठ करके चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लिया कि शायद किसी लेवल पे वो मान जाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। परंतु मेयर आती थी और ये कहकर कि जी हाउस अर्जेंट फॉर 15 मिनट और चली जाती थी, फिर 2 घंटे गायब। 13 बार हाउस अर्जेंट हुआ है, आप समझिए कि एक एक पार्षद पे, विशेष रूप से महिला पार्षद पे क्या बीत रही होगी, जो सुबह 9 बजे की निकली हुई अगले दिन 12 बजे तक घर नहीं पहुंची। एक सवाल आपसे भी है कि जो पार्षदों को लोगों ने चुना है अपने हक की लड़ाई के लिए, वो आपस में ही लड़ रहे हैं सदन में? नहीं, वो आपस में नहीं लड़ रहे, वो कानून बचा रहे, सदन की गर्मियाँ बना रहे, संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, इसे लड़ रहे हैं। तो 6 जनवरी से लेकर के कल तक जिन लोगों ने हंगामा किया उनको तो बताना पड़ेगा ना, जो कहते थे हम दिल्ली बदलेंगे, राजनीति बदलेंगे, लेकिन वो खुद ही बदले से नजर आ रहे हैं। शांति से होगा स्थायी समिति का चुनाव या फिर हंगामा? जब मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव शांति से हो सकता है
तो स्थायी समिति के सदस्यों का क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जब उस चुनाव में जो नियम तय किए गए उन नियमों को तोड़ करके आप चीजों को खराब करोगे तो फिर माहौल तो खराब होगा ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।